नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप के मामले में केस दर्ज किया गया। गायत्री प्रजापति और 6 अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 376 डी, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मंत्री और अमेठी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। गायत्री प्रजापति पर आरोप है कि उन्होंने और उनके साथियों ने एक महिला को समाजवादी पार्टी में नेता बनाने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया था। पीड़ित महिला ने 7 अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफा भेजकर इसकी शिकायत की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही, जिस पर अब कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति पहले भी विवादों में रहा है। उन पर एक महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसका लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप है। पीड़ित महिला की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश शुक्रवार को दिया था। गायत्री पर अमेठी में अवैध कब्जे का भी आरोप लग चुका है। प्रदेश के खनन मंत्री रहते हुए गायत्री पर अवैध खनन की गतिविधियों में शामिल रहने का भी आरोप है। करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे गायत्री प्रजापति को अखिलेश ने सितंबर 2016 में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव के कहने पर गायत्री की पार्टी में वापसी हो गई थी। प्रजापति को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, ये किस तरीके के समाजवादी हैं और किस तरीके से इनका काम बोल रहा है? ये देखिए, समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति जो थे ये कमाऊ पूत की हैसियत रखते थे और ये लगातार विवादों में रहे। तमाम इनके मामले आए सामने लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार बहुत बड़ा ये पूरा मामला आया है, रेप का मामला इन पे दर्ज हुआ है और साथ ही पास्को एक्ट भी लगा है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी के ऊपर भी इनकी गलत नजर थी और ये लगातार उसका यौन शोषण करते रहे काम दिलाने के बहाने। चित्रकूट की ये महिला है और वो तमाम दरवाजे खटखटाती रही, अधिकारियों के पास जाती रही, पुलिस लोगों के पास जाती रही, लेकिन इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अंत में वो कोर्ट की शरण गई और वहां से उसे इंसाफ मिला और अब गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है। इनके अलावा जो गायत्री प्रसाद प्रजापति के अन्य साथी हैं, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, रूपेश, आशीष शुक्ला और चंद्रपाल, ये सभी गायत्री के खास साथी हैं, दाहिने हाथ कहे जाते हैं। इन्हीं लोगों के साथ ठेके पत्ते की बातें होती थी और इन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस का कहना है बहुत ही जल्द विधिक कार्रवाई के तहत जो भी उचित एक्शन होगा वो लिया जाएगा। फिलहाल जो कमाऊ पूत रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी देने के लिए शुक्रिया नीरज।